हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कार मैकेनिक सिमुलेटर। तो गाइस, आज हम फिर आ गए इस कचरे की दुनिया में। तो गाइस, अगर आप चैनल भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को यार लाइक भी कर देना और कमेंट करना वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, और साथ में दोस्तों से शेयर भी किया करो। और बाकी गाइस, मैंने इंस्टाग्राम बनाया हुआ तो तुम लोग फॉलो नहीं करते, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला, या तो इंस्टाग्राम में जाकर मैनीफाई लिख लो तो मुझे फॉलो कर दो, वहाँ पर भी लाजमी कर दो। तो भाई, आज हम फिर इस कचरे की दुनिया में आ गए क्योंकि हमने कोई गाड़ी पकड़नी है, उसको रिपेयर मारना है। तो भाई, ये सामने मुझे ना कोई बुगाटी नज़र आ रही थी भाई, ये बुगाटी लग रही है। हाँ भाई, बुगाटी लग रही है। तो भाई, मुझे लग रहा है बुगाटी विरोन ही है ये ओल्ड वाला मॉडल जो है बुगाटी। हाँ जी भाई, ये बुगाटी विरोन सुपर शॉर्ट। तो भाई, आज हम ये वाली गाड़ी पकड़ने वाले हैं क्योंकि मैं जब आया यहाँ पे तो मुझे ये शुरू में नज़र आ गई, मैंने कहा आज यही पकड़ते हैं। इस तरह नहीं, कोई बेकार सी गाड़ी खड़ी है, लेकिन दफा करो इसको। मैं क्या, ये देखो यार, बुगाटी विरोन खड़ी भी है, तो इसको ही पकड़ते हैं आज। तुम लोगों की वैसे डिमांड आ रही थी बुगाटी विरोन पे करो, तो मैंने कहा चलो सही है, बुगाटी विरोन मिल गई तो इस पर कर लेते हैं। बाकी इसकी हाल वाला देख लो तुम, 11% इसकी बॉडी कंडीशन है, और पार्ट्स की कंडीशन 15% है, फ्रेम कंडीशन 10% है, इंटीरियर कंडीशन 25% है। बाकी इसका कॉस्ट जो है वो $357,661 है। तो भाई, ये इतने की मिल रही है हमें, तो भाई इस गाड़ी की वैल्यू जो यहाँ पे पता नहीं लिखी हुई, ये पता नहीं असल है क्या है, लेकिन ये गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन हमें क्या, हमें तो फ्रेम से मतलब है, तो गाड़ी मैं खरीदने वाला हूँ भाई। ओके भाई, गाड़ी खड़ी करा रहे हम गैराज में। तो भाई चलता हूँ मैं भी गैराज में, क्योंकि गाड़ी हमारी चली गई गैराज में, तो अब वहाँ पे चल के गाड़ी को ना ज़रा रिपेयर मारते हैं। ओके गाइस, तो हम पहुँच गए गैराज पे, और देख सकते हो हमारी बुगाटी विरोन ये खड़ी हुई, देख सकते हो तुम लोग। इसका कलर जो है ब्लैक और ऑरेंज है। इसका कलर चेक करते सबसे पहले जाके कार स्टेशन में जाते हैं और इसका फैक्ट्री कलर चेक करते हैं। तो भाई, इसका फैक्ट्री कलर जो है वो ऑरेंज आ रहा है, और करंट भी ये ऑरेंज ही है। बाकी ये तुम लोग देख सकते हो माइलेज वगैरह क्या है इसकी, और इंजन इसका लगा V12 SOHC ट्विन टर्बो, और ये इसके न्यूटन मीटर सारा जो आता है वो सारा लिखा आ रहा है। तो भाई, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखो ऊपर देखो तो पता लग रहा है कि स्क्रैचेस वैसे पड़े हैं, तो हालत ख़राब ही है, तो इसको पूरे ही हमें बनाना पड़ेगा। तो भाई, इसको लेके चलते हैं कार लिफ्टर पर सबसे पहले, तो मूव कार करके इसको कार लिफ्टर ए पर ले जाते हैं। ओके भाई, तो गाड़ी हमारी पहुँच गई कार लिफ्टर ए पर, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। और सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो होती है वेल्डर मशीन, तो ये वेल्डर ले आते हैं। ये मूव इक्विपमेंट करके इसको हम करेंगे कार लिफ्टर ए पे, और यहाँ से हमें चाहिए भाई इंटीरियर डीलिंग टूल किट, इसको भी ले आते हैं कार लिफ्टर ए पे, ताकि इसका इंटीरियर हम ठीक कर सकें। तो सबसे पहले वेल्डर यूज़ कर लेते हैं, ताकि जितने भी पार्ट्स रिपेयर हो सकते हैं वो रिपेयर हो जाएँ और कलर साफ हो जाए गाड़ी का। तो ये देख सकते तुम लोग, शाइन आ गई है, देखो ब्लैक ब्लैक स्क्रैचेज थे वो फट गए हैं। तो अब इसको वापस भेजते हैं। चल मेरा पुत्र, तू छुट्टी कर, नहीं नहीं इस्तेमाल नहीं करना मेरा पुत्र, छुट्टी कर, चल वापस। तो ये हमारा इंटीरियर डीलिंग टूल किट है, इसको यूज़ करना है हमने, कहाँ से करते ये यूज़, $100 लेगा, और इसका इंटीरियर जो है वन से रिपेयर हो गया। तो तू भी मेरा पुत्र हूँ, छुट्टी कर, चल यहाँ से छुट्टी करा दी इसको भी। अच्छा, तो गाड़ी देख सकते हो तुम लोग, ये गाड़ी है, इसको हम थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं ताकि इसके हम पार्ट्स खोलना स्टार्ट कर दें। तो भाई, इसमें सीट भी एक ही लगी हुई है, यहाँ से इधर नहीं लगी हुई भाई। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं टायर वायर वाले सिस्टम से, या बल्कि बॉन शटर उतार लेते हैं इस बम्पर शम्पर। ये बम्पर उतार लिया हमने, फ्रंट एंड ये उतरता है कि इसका, नहीं उतर रहा, इसकी हेडलाइट उतार लेते हैं। ओके, ये उतर गई, ठीक है, ये उतर गया। फेंडर्स नहीं है इसके, शायद फेंडर नहीं उतर रहे, पीछे से क्या उतर रहा है इसका, कुछ भी नहीं, पीछे से भी नहीं उतरा। ओके, तो पीछे से नहीं कुछ भी उतरा। तो इसके सबसे पहले हम टायर्स खोलना स्टार्ट कर लेते हैं, इसके जितने पार्ट्स खुल सकते हैं अभी वो खोल लेते हैं, और उसके बाद हम एक साथ इन सबको रिपेयर कर लेंगे जितने पार्ट्स रिपेयर हो सकते हैं। तो इसमें भी हवायरा के टायर दिए, क्योंकि गेम की DLC जो वो हवायरा वाली है, तो इस वजह से हवायरा के पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं इसमें। चलो भाई, ब्रेक कैलिपर खोल लेते हैं इसके। चलो भाई, ब्रेक पैड्स सही हो गया। अब इसके बाद हमें खोलना है बीच में से व्हील हब बेयरिंग। चलो भाई, खोल गया, ब्रेक डिस्क वेंटिलेटेड। अब व्हील हब खोलना है, इसके पेच हैं तीन, ये खोलने हैं, खोल गया। अब ये उतरेगा यार, क्या कहते हैं इसको, अब ये नकल जो है एक्सेल नकल का, और ये उतर गया। अब हमें उतारना है सस्पेंशन आर्म, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये भी खोल लेते हैं। जो जो चीज़ें खुलती जा रही उनको हम खोल लेते हैं, बाकी देखेंगे ऊपर नीचे करना पड़ता है गाड़ी को कभी, क्योंकि कुछ पार्ट्स जो ऊपर से खुलते हैं कुछ नीचे से खुलते हैं। ये एंडलिंग उतार लेते हैं, स्वे बार से कनेक्टेड जो होता है ये खुल गया, ताकि सस्पेंशन उतार लें पूरा इसका, और फिर ये एक्सल भी निकल आए, नकल जो है निकल, ये वाला नकल इससे, ये पहले रहता है आउटर टायर रॉड, तो इसको उतार लेते हैं। अब इनर टायर रॉड खोलना है, इनर टायर रॉड ये खुल गया। अब खोलेंगे फ्रंट स्टीयरिंग नकल से, ये उतर गया। अब चलते हैं इस तरफ, ताकि इस टायर का भी खोल लें, ये फ्यूल टैंक का भी आ गया, ये भी उतार लो। अच्छा, तो मैं इस तरफ से आता हूँ अब टायर के, ताकि यहाँ से हम टायर खोल नहीं वाला भी। चलो, इसके पेच खोल लेते हैं पहले, ये टायर भी खुल गया। चलो, अब इसके उतारते हैं ब्रेक कैलिपर्स, ब्रेक कैलिपर्स भी उतर गए। अब उतारना है ब्रेक पैड्स, अभी इसमें एक्सल जो लगा था वो खोलना है। अब उतारना है हमें वेंटिलेटेड डिसवेंटिलेटेड, अब यानी कि ये कहाँ से खुल गया, चलो शॉक उतर गया, उतारने दो। अब उतारना है फ्रंट व्हील हब, लेकिन पहले हमें उतारना पड़ेगा व्हील हब बेयरिंग, उतर गया। अब ये उतरेगा, इसके तीन नट्स हैं, ये खोलने हैं, खुल गया। अब ये एक्सल कवर नकल कवर है, अब इसका सस्पेंशन खोलना है हमें। अब स्वे बार भी हमारा खुल जाएगा, यहाँ से आउटर टायर रॉड खोलना है,
पहले आउटर टायर रोड, यहाँ पे आउटर टायर रोड खोल लें, खुल गया। अब इनर टायर रोड, अब ये स्टीयरिंग रैक निकला है हमारा। अब ये स्वे बार जो एंड लिंक कनेक्टेड है ये उतारना है ताकि स्वे बार खुल जाए हमारा। चलो भाई, जंग से भरी हुई है पूरी गाड़ी। अब इसमें से ये उतार लेते हैं, अभी रबर बुशिंग खोल लेते हैं इसको, खुल गया। और ये रहा फ्रंट स्टीयरिंग नकल। चलो भाई, आगे सारा काम होगा। ये क्या चीज़ है, रेडिएटर, तो ये खुलेगा ऊपर से। चलो तब तक पीछे से गाड़ी खोल लेते हैं। ये जो इस तरह की कार्ड होती है ना, ये स्पोर्ट्स वाली, इनका फ़ायदा ये इनमें तो सामान थोड़ा कम लगता है, बाकी हमें एग्जॉस्ट और पता नहीं क्या क्या सामान लगता है, थोड़ा वो वाला काम नहीं इसमें, तो वो बचत होती है इन चीज़ों में, वो दिमाग खपाने वाली चीज़ होती है उसमें। चलो इसका ब्रेक कैलिपर उतार लेते हैं। चलो ब्रेक उतर गया। अभी कंजर खाना भी चल रहा था, वो बंद हो गया यार, पता नहीं रेडियो भी ख़राब हुआ है आजकल, सस्ता रेडियो रखा हुआ है। नहीं नहीं, लग गया लग गया। चलो व्हील हब बेयरिंग उतार लेते हैं, शॉक अब्जॉर्बर जो जो उतर है वो उतारते हैं। ये उतर गया, आप उतरेगा व्हील हब, इसके तीन नट खोल लेने हमने। अब ये नकल का कवर जो है वो उतारना है, ये भी उतर गया। अब ये अपर सस्पेंशन आर्म, चलो भाई सस्पेंशन आर्म खोल लेते हैं। अब ये यहाँ से सस्पेंशन आर्म बी खोल लें, चलो भाई ये भी हो गया, खोल जा भाई। अच्छा, तो इसके पीछे पकानी के बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, सही हो गया। इसमें ये वाला होगा मसला, चलो कोई नहीं कर लेंगे। अब इस तरफ आ जाए टायर का, ये भी खोलते हैं टायर, आखिरी टायर आ गया हमारा, ये भी खुलने वाला है। चलो खुल गया। अब इसके ये ज़रा ब्रेक पैड शेड उतार लेते हैं, ब्रेक कैलिपर्स, चलो खुल गया। ब्रेक पैड्स उतार लेते हैं, उसके बाद ये ड्राइव एक्सल है वही हो गया, और अब निकालना है हमें हब, लेकिन ये शॉक अब्जर्वर आ रहा है, उसको उतार लेते हैं। यार ये कौन से शादी वाले गाने लगा दिए यार, चलो कोई नहीं, लगे रहने दो यार। ये हो गया, अब उतारना है रियल एक्सल कवर, ये भी उतर गया। अच्छा, तो अब सस्पेंशन खोल लेते हैं इसके। चलो भाई सस्पेंशन खोल गया, यहाँ से ये सस्पेंशन बी खोलना है। हाँ चलो, सीन सेट है। अब ये निकल हाउसिंग ये खुल गया। अच्छा, अब ये क्या उतर रहा है, इंटर कूलर, ठीक है ये भी उतार लेते हैं। अब यहाँ से गियर बॉक्स खुल रहा है, तो इसके ये नट्स जितने भी, ये पेज जितने भी खोल लेते हैं। गियर बॉक्स उतर आया, अब देखते हैं क्या आ रहा है। अब ये जो है ये ऊपर से शायद खुलेगा, देख लेते हैं इसका क्या सीन है। बाकी यहाँ से भी कोई चीज़ उतरी है, अच्छा ये उतर गया, हाँ उतर, सही हो गया। ये कूलिंग वाले जो, ये भी उतरने, लेकिन ये ऊपर से उतरेंगे, ये सीन समझ आती है यार, इन्होंने ऊपर से रखा हुआ है कुछ नीचे से। चलो अब इसका ये उतारने के लिए हमें यार ये खोलना पड़ेगा, ये जो यहाँ से कनेक्टेड हुआ है, लेकिन ये ऊपर से ही खुलेगा। तो इसको गाड़ी को नीचे कर देते, एक नंबर आ जा भाई। फिर जितने पार्ट्स हैं रिपेयर होते हैं वो रिपेयर कर लेते हैं, और जितने पार्ट्स खरीदने हैं वो खरीद लेते हैं। कैमशील खोल लिया मैंने। अब यहाँ से एग्जॉस्ट जो एक्सेस हो रहा है, तो हमने खोलना है इसको, ये इंजन बे एक्सेस करना है यार। ये बड़ा रोला होता है इसमें यार। अब मैं ऊपर से आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, अभी भी वो कह रहा है इंजन बे ऊपर से आओ, ऊपर से आओ। एक सेकंड देखते हैं भाई, खुल जा यार, अल्लाह का वास्ता खुल जा यार, अभी भी नहीं खुल रही यार, वो देखना पड़ेगा इसको। ओके, तो ऊपर से हम आ गए, टर्बो खोल लेते हैं यहाँ से। अभी टर्बो तो नहीं खोलना, एक सेकेंड, यहाँ से आना था और ये चीज़ उतारनी, एग्जॉस्ट। तो ये एग्जॉस्ट उतर गया अब, और ये टर्बो वर्ब वाला सीन जो है ना, ये भी खोलते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें खोल रही हूँ यहाँ से खोल लेते हैं, नहीं तो फिर वो उधर लगाना पड़ता है, फिर खोलना पड़ता है, तो उससे अच्छा यहाँ पे खोलना स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हेड कवर देखो भाई, पेज देखो दोनों के, इसमें कितने यार, इसमें गंदी होनी है हमारी, खोल ले मैं इसको यार। चलो कोई नहीं, कर लेंगे इसको। चलो ये हो गया, इसका हेड कवर है, अच्छा ये भी है, लेकिन बहुत ही ख़राब हालत में इंजन है यार, फ़ायदा नहीं इसको बनाने का शायद, अगर रिपेयर हो गया हेड और जो ब्लॉक होता है फिर तो फ़ायदा, लेकिन अगर नहीं होता फिर तो मैं नया लेना ही लेना है। अच्छा, ये टाइमिंग चीज अभी नहीं उतरी, टर्बो V12 बी जो उतार लेते हैं, बिल्कुल ले गया बस। चलो हो गया, अब इस तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ से भी टर्बो V12 बी उतार लेते हैं। एक दो तीन चार, छः पेज हैं इसके भी, इतने इतने पेज चक्के होते हैं यार इसके। चलो ये अब उसके ऊपर से ये कैम शाफ्ट कैप वगैरह उतारने हैं, ये ज़रा मैं खोल लेता हूँ, इस पर बड़ा टाइम लगता है, मुझे जहर लगती है चीज़। ओके गाइस, तो ये मैंने जो थे ऊपर से यार वो गंद जो उतार दिए, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, तो मैंने वहाँ से टाइम सेव कर लिया अपना। और अब यहाँ से मैंने वो चीज़ खोली, ये उतरेगी ऊपर से टाइमिंग चेन V12B की, और कैम गियर खोल लेते हैं। फिर कैम शाफ्ट उतारने हमने V12B के, ठीक है भाई, इसमें V12B का सामान लगा हुए। चलो अब ये इंजन हेड के पेज खोल लेते हैं, चलो कोई नहीं, बड़े बड़े काम ही ज़्यादा नहीं है। ये उतर आया, अब हेड ए का उतार लेते हैं। चलो ये भी उतर आया,
अब इसमें पिस्टन वगैरह लगे हुए हैं, तो इसको भी खोल लेते हैं यहाँ से ही, जो सामान यहाँ से उतर है वो उतार लेते हैं, सारा उतर ही आता है वैसे, मसला नहीं होता। इसको भी खोल लेते हैं, ये भी काफ़ी सारे पिस्टन हैं इसमें भी, यहाँ से भाई तो ये हो गया। अब इस साइड पे आए थे और अभी ये ब्रेक सर्वो वगैरह भी, ये भी देखा है मैंने, उतारा नहीं मैंने, अबे उतारा भाई। चलो ये भी हो गया, अबे उतारा यार, ये मस्तियां कर रहा है अभी तो इसको, ये कार लिफ्टर पे उतरेगा यार, ये मस्तियां कर रहा है, शौर्य बाज आ जा, बड़ी हराम मौत मरना है, खुल जा भाई। अच्छा ये जो ये अब हमारे साथ मस्तियाँ कर रहा है, तो इससे अच्छा कि ना हम ले आते हैं इंजन पुलर, क्रेन जो होती है ये, आ जा भाई। इसको लिफ्टर ए पे ले आया मैं, अब निकाल लेते हैं इंजन को बाहर, पुल आउट, ठीक हो गया, इंजन आ गया बाहर। अब यहाँ पे लगा देते हैं इंजन को, ठीक है, हमारे पास पड़ा हुआ होगा ये वाला है, वो दूसरा पता नहीं कौन सा पड़ा हुआ हमारे पास। अब यहाँ से ना इसको ज़रा खोल लेते हैं, बाकी का इंजन जो खुलने वाला है। अच्छा जो पिस्टन वगैरह था यहाँ पे एक, ये देखा ये अभी भी नहीं खुल रहा, इसको कोई अजीब किस्म का कीड़ा है। चलो इसको यहाँ से तब तक हम ये उतार लेते, क्लच रिलीज बेयरिंग, क्लच प्रेशर प्लेट, ये उतर आया। चलो अब ये क्या चीज़ है, क्लच प्लेट, इसको उतारना है। उसके बाद फ्लाई व्हील आ गया, फ्लाई व्हील उतारने के बाद क्रैंक शाफ्ट उतारना है, उसके लिए हमें ये रोटेट करना पड़ेगा, इसको जो इंजन स्टैंड है रोटेट कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलो भाई अब इसके नीचे भी गंद आ गया, गंद वाला सामान तो मैं दिखाता हूँ, ये जो होता है ना ये जो क्रैंक शाफ्ट की बेयरिंग कैप होते हैं, जहर लगते हैं मुझे यार, इतने ढेर होते हैं ना यार, कितने पेज होते हैं, ये रॉड कैप होते हैं, शाफ्ट बेयरिंग कैप। चलो मेरे ख्याल अब उतरने वाला है ये, अब यहाँ से उतरेगा पिस्टन विद कॉन रॉड। अच्छा अब क्या उतरा है, क्रैंक शाफ्ट, सही है, ब्लॉक, चलो सारा इंजन क्लियर हो गया। अब जो बाकी का सामान था ऊपर से उतरने वाला वो उतार लेते हैं, जैसे कूलर था एक, रेडिएटर यार, इस इंजन को चलो पड़ा रहने दो फिलहाल, ये कूलर जो है क्रेन, ये रेडिएटर निकाल लो ऊपर से, यहाँ से ब्रेक पंप सर्वो वाले चीज़ें थी कुछ इस तरह की, तो वो निकाल, ये रही ये क्या चीज़ है, स्मॉल इंटर कूलर से, ये नहीं उतारा हमने, ये भी नहीं उतारा, और फ्यूल टैंक भी नहीं उतारा, तो इसको पहले कर लेते हैं यार यहाँ से, ये चीज़ें उतारने वाली हैं। अबे ऊपर से ही तो आ रहा हूँ, ये क्या सीन है, एक तो इसमें ये यार ये बड़ा सीन गंदा डाला हुआ इन्होंने, ये ऊपर से आना पड़ता है। चलो मैं देखता हूँ इसको क्या सीन है, हो ही जाएगा एक्सेस कहीं ना कहीं से, यहाँ से करते हैं इसको एक्सेस, नहीं भाई यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया, ये बड़ा इसमें इशू है, ठीक है ये हो गया सीन सेट। अभी जो ये लगी हुई है सीट, ये भी उतार लेते हैं, चलो सीट भी बाहर आ गई। अब जो है इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड नॉर्मल मोड कर लूँ, अब इसको फिर से ऊपर कर लूँगा, ताकि वो इंटर कूलर जो था वो होते काले नीचे से, हम कहाँ गया ये फ्यूल टैंक के यहाँ पास था, इंटर कूलर उतर आया। अब ये स्मॉल इंटर कूलर उतारना है, ये भी उतर आया, और कोई सामान तो नहीं रह गया बीच में, ये रह गया फ्यूल और वहाँ पर भी रहता है, सही हो गया। फ्यूल टैंक वैसे उतारा था मैंने, लेकिन पता नहीं फिर से लग गया शायद। चलो भाई सारा सेट हो गया सीन, अब यहाँ पे मैंने रिपेयर बेंच पे आ गया, रिपेयर बेंच पे से मैं सारी चीज़ें रिपेयर कर लेता हूँ एक बार। ओके गाइस जितने भी पार्ट्स रिपेयर होने वाले थे वो रिपेयर कर लिए, तो अब चलते हैं इंजन की तरफ। तो हम बनाएंगे सबसे पहले इंजन जो कि V12 का है, तो भाई मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम पहले माउंट करते हैं यहाँ पे इंजन का ब्लॉक लगाते हैं सबसे पहले। तो ये रहा एक जो है वो हमारे पास से रिपेयर नहीं हुआ था, हमने खरीद लिया था एक और, तो ये रहा इंजन ब्लॉक। तो इधर लगेगा अल्टरनेटर जो कि हमारे पास परफॉर्मेंस वाला पड़ा है। चलो भाई ये टर्बो बूस्टेड वाला ये हमारे पास पड़ा, ये लगाते हैं। पावर स्टीयरिंग पंप ये नहीं हमारे पास, ये खरीदना है। ऑयल फिल्टर V12 ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट V12 भी पड़ा हुआ है हमारे पास, ये भी लगा लेते हैं। उसके बाद अब ये नीचे जो पिस्टन कॉर्न रॉड वाला सिस्टम है ये कर लेते हैं। चलो भाई ये लग गया, ये सारे लगाने हैं। चलो एक एक करके सारे लगा लेते हैं, काफ़ी सारे लग रहे हैं इसमें भी यार, इंजन काफ़ी बड़ा है। चलो ये मेरे ख्याल पिस्टन की जो है ना ये रिंग्स ये लेने पड़ेंगे अब हमें, क्योंकि ये कम पड़ रहे हैं, पिस्टन के रिंग्स जो वो लेने पड़ेंगे, तो वो ख़रीद लेते हैं पहले। रिंग्स ये वाला चाहिए हमें, ये चाहिए होते काफ़ी सारे ख़रीद लेते हैं, ठीक है भाई। तो अब लगाते हैं यहाँ पे दोबारा पिस्टन्स, ओके यहाँ लग गया। अब इस साइड पे आ जाते हैं, सारे पिस्टन लगाते हैं, दो हो गया, तीन,
छः हैं टोटल यार, 12 लगेंगे टोटल, 12 हैं। चलो भाई ये भी हो गया बस। अब ये जो नीचे ये जो है ना, ये गंदा काम, ये मैं एंड में करूँगा। ओके अब इंजन को रोटेट कर लेते हैं, और वो पावर स्टीयरिंग पंप भी लेना था तो वो भी ले लेते हैं। स्टीयरिंग लिख के आ जाएगा, पंप लेना पड़ेगा यार, पावर स्टीयरिंग पंप। तो मेरे ख्याल V12 वाला ही लेना पड़ेगा शायद, और भी देख लेते हैं अगर कोई और है, मेरे ख्याल यही है। ओके तो भाई ये लगा लेते हैं अब, पावर स्टीयरिंग पंप V12। ओके यही है, इसके पेच लगा लेते हैं यहाँ से। ओके हो गया, अब इसका इंजन का हेड लगाना है। ओके भाई तो इसके जो बोल्ट है वो टाइट कर लेते हैं हेड के। चलो भाई हेड लग गया, दूसरा हेड लगाते हैं फिर इसको रोटेट कर लेते हैं। चल भाई लग जा, इस पर लगेगा ये वाला हेड। ठीक है भाई, हेड ले ली थी हमने, बस पड़े हुए थे काफ़ी सारे, तो ये हेड लग गया। अब लगाना टर्बो V12 भी, तो ये भी पड़ा हुआ था हमारे पास, ये भी लगा लेते हैं हम। इसके बोल्ट टाइट हो गए। चलो अब ये रह गया इंटेक मैनिफोल्ड भी लगा लेते हैं, लग गया जो जो लग रहा लगाते जाओ बस। चलो भाई ये भी लग गया, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे पहले इसको छोड़ते हैं, इधर इधर आते हैं, टर्बो V12B लगा लेते हैं इधर का भी। चलो भाई ये हो गया, अब जो हमें लगाना है यार, रोटेट करना पड़ेगा इंजन को क्योंकि काम सारा रह गया ऊपर का, तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। चलो भाई ये ऊपर आ गया इंजन, अब जो ऊपर का सामान है वो लगाते हैं। थ्रोटल V12B भी पड़ा हमारे पास, वैसे मेरे पास दूसरा वाला पड़ा था लेकिन चलो ये लगा लेते हैं फिलहाल। इनटेक कवर लगाना है। चलो भाई कवर भी लग गया, अब लगाना है आइडल रोलर। यहाँ पे टाइमिंग का सारा काम करना है हमें। अब वाटर पंप भी लगेगा इधर ही फिलहाल, क्रैंक शाफ्ट भी कैम शाफ्ट लगाना है यहाँ पे। ओके ये लग गया, स्पार्क प्लग का काम भी आ गया, ये भी लगाते रहते हैं साथ साथ। यार ये जो है ना, ये शिट चीज़ आ गई ऊपर एक, इसको मैं स्किप करूँगा लगाते हैं। चलो भाई स्पार्क प्लग लग गया, देखिए स्पार्क प्लग पूरे कर लेता हूँ मैं, काफ़ी स्पार्क प्लग लग रहे हैं इसमें यार, बहुत बड़ा इंजन है। चलो भाई आखिरी दो रह गए, अब मैं टाइमिंग का काम करता हूँ आगे से, ये वाला जो ना स्किप करता हूँ, बहुत लंबा काम है ये वाला। चलो भाई कैम गियर लग गया, अब कैम शॉफ लगा दो यहाँ पे एक और। चलो इस पर कैम गियर लगा लेते हैं, चेन लग रही है हमारे पास, टाइमिंग चेन शायद नहीं है, नहीं बल्कि पड़ी हुई है। सही हो गया, गुड हो गया जी यार, टाइमिंग गियर लगेगा V12B का, लग गया। पेच टाइट करना है, अब लगेगा टाइमिंग कवर ए, सही है, ये भी पड़ा हमारे पास, इसका पेच भी टाइट कर लेते हैं अब। ओके एक दो मिस हो रहे हैं शायद, अभी नज़र ही नहीं आ रहा यार कहाँ कहाँ से लगा रहे हैं। चलो मैं सामने से आता हूँ फिर से। चलो अब लगाते हैं टाइमिंग कवर VB, ये भी बड़ा हमारे पास, इसके पेच टाइट कर लेते हैं। अब वाटर पंप भी पड़ा हमारे पास, खरीद लिया सारा सामान मैंने, जो V12 का आ रहा था सामान मैंने सारा खरीद लिया था, क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट ऐसे थे रिपेयर नहीं होते, ये नहीं है क्रैंक शाफ्ट। चलो ये ले लेंगे बाद में, पहले जो सामान लग रहा वो लगा लेते हैं सारा। चलो भाई हो गया, वाटर पंप पुली ये लगा लेते हैं। अब वाटर पंप पुली इधर भी लगेगी एक, और आइडल रोलर लगेंगे थोड़े से, ये इसके बाद ये वाला काम भी सेट है। चलो भाई अच्छा, तो ये क्रैंकशॉट पुली V8 का ले लेते हैं, पुली देखते हैं आ ही जाएगा V8, ये रहा V8। चलो भाई ले लिया, ज़्यादा सारे लेने चाहिए थे लेकिन मैंने फिलहाल एक ही लिया। चलो लगा लेते हैं इसको भी। चलो भाई ये सेट है। अब ये बेल्ट वेल्ट मेरे ख्याल ये नहीं है हमारे पास शायद, बल्कि ये भी पड़ी यार, फ़ायदा हो गया, देखा सारा सामान ले लो एक बारी तो फ़ायदा हो जाता, फिर बार बार ख़रीदना नहीं पड़ता। चलो ये सेट है। अब कॉयल पैक लगाना है यहाँ पे हमें, ये लग गया। अब यहाँ पे भी है स्पार्क प्लग का काम है, तो तब तक ये लगा दे फ्यूल रेल, इसको मैं स्किप कर दूँगा, जो नीचे वाला काम है स्पार्क प्लग और ये जितने भी ये ऊपर ही लगेंगे कवर्स। चलो भाई ये सीन सेट हो गया, अब मैं नीचे से भी सेट कर देता हूँ इसको और ऊपर से भी कर देता हूँ, तो उसको स्किप कर देता हूँ। बाकी ये फ्यूल फिल्टर वाला काम कर रहे हैं, और ये फ्लाई व्हील ये लग गया, परफॉर्मेंस वाले पार्ट्स लगे हैं काफ़ी सारे। हो सकता है स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ इस गाड़ी की, जैसे फरारी की हमने की थी तो बहुत ही स्पीड गाड़ी हुई और वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी यार। चलो ये पेच टाइट हो गए, अब क्लच बेयरिंग लगाना है, यहाँ का काम खत्म। चलो अब बाकी गाड़ी का,
तो अब यहाँ से मैं इसको ज़रा करके ना फिनिश कर लेता हूँ, स्किप कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं इंजन जो हमने तैयार कर लिया पूरा, तो अब इसको जो हम उतार लेते हैं इंजन को, तो भाई इसको इंजन को उतारते हैं ऐसे, इंजन स्टैंड पे क्लिक करके टेक ऑफ इंजन फ्रॉम क्रेट। ओके, क्रेट से पता नहीं क्या लिखा हुआ था। अच्छा तो ये हो गया सीन सेट। अब हमने क्या करना है, गाड़ी जो बनानी स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी के नीचे ले आते हैं क्योंकि इंजन इंस्टॉल करेंगे तो फिर उसके साथ हम पार्ट्स कनेक्ट करते जाएंगे। तो इसको हम ले आते हैं कार लिफ्टर ए पे, ये आ गया कार लिफ्टर ए पे। तो अब कार लिफ्टर ए के थ्रू मैं लगा रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये वाला इंजन है ट्विन टर्बो वाला, हो गया। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको मैं वापस जो है ना भेज रहा हूँ, चल मेरा पोतर छुट्टी कर। ओके तो ये हो गया सीन सेट। अब जो हमें देखना है इंजन, तो इंजन कहाँ से आएगा भाई, एक मिनट, एक्सेस नहीं हो रहा, यहाँ से ट्राई करता हूँ। चलो भाई इंजन का आ गया सीन, तो यहाँ से जाता हूँ माउंट में। चलो ये आ गया। अभी जो है इसके अंदर डालना था एक जो है वो ऑयल भी डालना है, तो वो पहले डाल लेते हैं, नहीं तो फिर ये मिस हो जाना हमसे, याद नहीं रहेगा, फिर गाड़ी भी ऑन नहीं होती। चलो मैं इस पर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। इंजन बे का कह रहा है यार, वही वाली बात है, ऊपर से आना पड़ेगा कहीं से। ओके गाइस, तो ये ऑयल फिल जो प्लग है वो हो गया एक्सेस, तो अभी इसमें डालते हैं मोटर ऑयल। चलो भाई ये फुल हो जाए तो इसको हम भर लेते हैं पहले। चलो भाई हो गया, ऑयल डल गया। अब जो इंजन का काम सेट है सारा, अब इसको उठा लेते हैं ऊपर और इंजन का काम सारा स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे आते हैं सस्पेंशन वेंशन जो जो लगता होता है वो सब कुछ लगा लेते हैं। तो भाई इस पर चलते हैं, आप लगाते हैं गेयर बॉक्स, हमने लिया था कस्टम वाला, तो ये कस्टम पड़ा हुआ हमारे पास, ये लगा लेते हैं, ये कस्टम गेयर बॉक्स है इसका। और उसके बाद बैटरी, बैटरी में पड़ी हुई हमारे पास, बैटरी पड़ी हुई है, बैटरी लगा ली हमने। अच्छा जो नीचे नीचे सामान लग रहा है सारा वो लगा लेते हैं पहले, तो मेरा यही लग रहा है नीचे से, और तो कुछ लग नहीं रहा। और ये शायद V8 स्टार्टर हो, वो ये ऐसा लगेगा, ये स्टार्टर, ये स्टार्टर लग गया, इसका पेस्ट टाइट कर लेता हूँ। अच्छा तो बाकी सामान नीचे से लगने वाला नहीं, सारा ऊपर से लगने वाला है, तो ये जो नीचे से लगने वाला था वो मैंने लगा दिए। बाकी जो ये पेट्रोल वाली चीज़ें वो लगा लेती हैं, फ्यूल टैंक जैसे हो गया, ये लगा लेते हैं, ये रहा फ्यूल टैंक। अब इसमें लगाना है फ्यूल पंप, जो कि मैं हमेशा भूल देता हूँ और जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। फिर मीडियम इंटर कूलर लगाना है हमें, एक इधर का और एक उस साइड के, तो वो भी लगा लेते हैं। तो इस साइड पे से जाना है हमें, ये रहा फ्यूल टैंक सी, फ्यूल टैंक सी लग गया। इसमें तो नहीं वो लगेगा वैसे, वो पंप जो होता है पेट्रोल का, एक वाले में लगता है। चलो ये हो गया सेट, अब आगे से देख लेते हैं जो काम हो सकता है आगे वैसे भी कर लेते हैं, ताकि एक ही बारी गाड़ी नीचे करें हम, बार बार ऊपर नीचे नहीं करनी पड़े गाड़ी को। स्वे बार लगा लेते हैं, स्वे बार भी। चलो भाई ये भी सीन सेट है, अब लगाते हैं फ्रंट स्टीयरिंग नकल सी, और इनर टायर रॉड, अपर सस्पेंशन आर्म, ये लग गया। चलो भाई इसके पेच टाइट कर लेते हैं बोल्ट सारे, बॉटम सस्पेंशन आर्म ये भी लगा लो। चलो भाई ये भी हो गया। अच्छा अब ये डबल विश बोन ये जो हमें बनाने पड़ेंगे, तो पहले ये जो काम है सारा वो कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद जो ये बनाने वाला काम है ये बाद में कर लेंगे। ओके तो ये लगा लेते हैं, सस्पेंशन इसके भी लग गए, दोनों टायर के रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद टायर भी रेडी करना है हमें। चलो भाई ये सेट है, अब ये नकल कवर लगा लेते हैं यहाँ से, और आउटर टायर रॉड। देखो बहुत दूर से गाली, इतना लंबा आता है मैकेनिक का। तो अभी साइड पे आते हैं, यहाँ का पहले जो काम है सारा वो ख़त्म कर लेते हैं। आउटर टायर रॉड लग गया, अभी इस पर बार वाला लगाना है, तो वो लगा लेते हैं। चलो भाई ये भी सीन सेट है, अब यहाँ पे नकल एक्स कवर जो भी है ये लगाना है। अब व्हील हब लगाना है, इसके पीछे बुशिंग भी लगेगी नहीं, पहले नट्स लगा लेते हैं, अब बुशिंग लगाते हैं, बुशिंग सॉरी व्हील हब बेयरिंग होती है। अब एक्सल लगाना है फ्रंट व्हील का, ये भी हो गया। अब ब्रेक डिस्क वेंटिलेटेड, उसके बाद ब्रेक पैड्स और ब्रेक कैलिपर और टायर हमारा तैयार है, अभी जो है शॉक्स रहते हैं। चलो भाई ये टाइट कर लेते हैं, अब टायर लग सकता है लेकिन अभी लगाना नहीं क्योंकि हमने बनाया नहीं है, तो इधर से रह गया ये शॉक। दूसरे टायर इधर चलते हैं, ये तैयार कर लेते हैं, इसमें पहले व्हील हब लगा लेते हैं फ्रंट व्हील हब, तीन नट टाइट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक डिस्क वेंटिलेटेड, ब्रेक पैड्स और ब्रेक कैलिपर। चलो भाई ब्रेक कैलिपर भी लग गया, अब हब लगाना है बीच में, हब बेयरिंग जो होती है व्हील की, ये लग गया, एक्सल लगेगा अब, और अब इसका पेच और टायर लग सकते हैं। अब इसमें ये रह गया स्वे बार एंडलिंग, चलो ये भी हो गया।
अब पीछे का जो सस्पेंशन वाला काम है देखता हूँ है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल पीछे इतना है कोई, तो वो भी देख लेते हैं जाके। और उधर कभी टायर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चलो भाई टायर जो बांधने वो लगा लेते हैं यहाँ पे, बाकी का सामान बाद में कर लेंगे। तो कंजर खाना मैक्स पे लगा हुआ यार, सही जो है ना रेडियो लगा हुआ है। चलो कोई नहीं, इन्जॉय करो। ब्रेक डिस्क लगेगी यहाँ पे, उसके बाद ब्रेक कैलिपर्स और ब्रेक पैड्स दोनों लगेंगे। ब्रेक कैलिपर लग गया, उसका नट टाइट करना है, और ये रहा व्हील हब बेरिंग, तो इसको भी लगा लेते हैं। और अब लगेगा इसमें एक्सल। सारा सामान देखो तुम्हारे भाई ने पहले से लेके रखा हुआ था इसी वजह से, क्योंकि वो बार बार लेना पड़ता है। तो सस्पेंशन रह गया, चलो भाई सस्पेंशन काम भी कर लेते हैं। सेट हो गया, ऊपर का भी लगा लेते हैं सस्पेंशन। ये लो भाई सेट हो गया। अच्छा भाई टायर लग रहे हैं यहाँ पे भी, क्योंकि ये जो दूसरे एग्जॉस्ट है ये ऊपर से लगेंगे, पता नहीं इनका ऊपर से कोई फिटिंग होती है, नीचे से फिट नहीं कर सकते हम। नीचे से बस ये वाला काम रह गया, और शॉक्स का वो डबल विश मॉन जो है फ्रंट के वॉल बनाने हैं, वो पड़े हुए पार्ट्स बस इनको बस हमने ना मैनुफेक्चर ही करना है बस यहाँ पे। ओके चलो भाई हो गया। यहाँ पे भी लगेगी ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड्स, ब्रेक कैलिपर। चलो इसके नट टाइट कर लेते हैं। चलो ये सारा सीन सेट है। अब यहाँ पे रह गया है यहाँ पे सस्पेंशन, इसको लगाने के बाद हमारे पास टायर अवेलेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल है हमारे पास बुशिंग भी ख़त्म होगी। अब देखा बुशिंग ख़त्म होगी, रबर बुशिंग लेनी पड़ेगी, ये भी बहुत यूज़ होती है गाड़ियों में। अबे क्या लिख दिया, बुशिंग आ गई। चलो दोनों ले लेते हैं, कम पड़ जाती है अक्सर। चलो भाई ये ले ली हमने। अब कहाँ गया टायर, ये रहा। अच्छा अपर सस्पेंशन आप लगा लेते हैं अब। ओके अब टायर अवेलेबल है, तो अब पीछे भी लगेगा विश बोन वाला और आगे भी लगेगा, तो हमें चार बनाने हैं, तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है ढूंढना पड़ेगा विश बोन वाला, ये रहा एक ये। चलो भाई जब तक ये बंद रहे तब तक मैं देख लेता हूँ, और तो कुछ रह तो नहीं गया इसमें, मेरा नहीं ख्याल कुछ रहता है। तो भाई मैं ये सारे शॉक्स जो हैं बना लेता हूँ। ओके गाइस तो सारा जो मैंने थे वो शॉक्स बना लिए, और टायर भी मैंने रेडी कर लिए। तो भाई सबको जो एक एक करके लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये शॉक जो ये लगा लेता हूँ डबल विश वॉन के जो रियर के और फ्रंट के, ये बस पेच ही टाइट करने, बाकी सारा सीन सेट है। और ये जो एग्जॉस्ट है ये ऊपर से लगेंगे, तो गाड़ी के नीचे उतारनी पड़ेगी, तो जितना काम है गाड़ी के नीचे से हो रहा है वो मैं सारा कर रहा हूँ। ये हो गया। ओके स्मॉल इंटरकूलर ये भी लग गया, ये भी लग गया बस। अच्छा ये स्मॉल इंटरकूलर ख़राब है, तो मैं इसको उतार के रिप्लेस कर लेता हूँ। तब तक के लिए मैं ज़रा ये टायर लगा लेता हूँ यहाँ वाला। चलो भाई ये टायर के पेच भी मैं टाइट कर लेता हूँ, हो गया। अब ये शॉक लगा लेते हैं, फिर फ्रंट का भी लगाना है हमें। चलो भाई फ्रंट पे चलते हैं, अब फ्रंट के टायर और शॉक्स लगा लेते हैं। ओके नॉर्मल मॉड और ये आ गया। चलो टायर लगा लेते हैं हम इसके। टायर मैंने इस बार जो अलग से थोड़े सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये बुगाटी मैं का थोड़ा चेंज होना चाहिए इसके साथ। बाकी तुम लोग देख रहे हो यहाँ से पेच लगा ली मैंने, यही तो बात है इस गेम की। अच्छा तो अब ये शॉक अब्जॉर्बर एक लगा लेते हैं, और एक यहाँ का। चलो ये हो गया। अब वो स्मॉल इंटरकूलर जो है वो ख़रीद के लगा लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं और स्मॉल ये आ गया। चलो भाई स्मॉल इंटरकूलर जो वो लगाते हैं हम यहाँ पे, जो लगना था इधर यहाँ पे ये रहा। चलो भाई स्मॉल इंटरकूलर भी लग गया। अब ये एबीएस वाला काम जो है ना ये ऊपर से होगा सारा, बाकी टायर शायद हमारा सब रेडी है। सामान देख लूँ मैं एक बार, सब रेडी है, ऑयल भी डाल दिया इस बार हमने, और तो कुछ भी नहीं बस। चलो अब गाड़ी को जो हम नीचे कर लेते हैं एक नंबर। चलो भाई गाड़ी नीचे आ रही है हमारी, गाड़ी बस रेडी हो ही गई है। तो अब जो हमें करना है वो था यहाँ से हम एक्सेस करने वाले इंजन को। ओके तो यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिए, तो अब जो यहाँ पे हमें लगाने थे वो पार्ट्स ब्रेक सर वो लगा लेते पहले, क्योंकि एक्सेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। चलो अब इसके ऊपर वो मॉड्यूल लग जाएगा एबीएस का, ये भी सीन सेट ही हो गया बस। चलो अब आगे कोई मिसिंग पार्ट तो नहीं यहाँ पे, नहीं हुई
और तो कोई भी नहीं यहाँ पे। चलो अब हमें लगाना जो है वो है, नज़र देख लेते हैं एक बार, फेक टाइट रह गया था करने वाला, सही है। अब यहाँ से हमें लगाने एग्जॉस्ट, ओके तो ये रियर एग्जॉस्ट सेक्शन जो ये नहीं है हमारे पास, ये लेना पड़ेगा, इसको ख़रीद लेते हैं। इसको हवाई वाला चेक करते हैं जाके, रियर एग्जॉस्ट, रियर एग्जॉस्ट लिखना पड़ेगा, ये रहा। चलो अब ये हमें लगाना है, यहाँ से एक्सेस होता है इंजन। अबे हो जा भाई यार, ये इस गेम में ना बड़ा गंदा यार कि आपको एक्सेस नहीं कर पाते इजीली। हो जा भाई 100-200 ज़्यादा ले ले, चलो भाई हो गया। ओके अब कर लेते हैं पैरामाउंट और उसको एग्जॉस्ट निकालते हैं हवाई का जो है। चलो भाई एग्जॉस्ट भी लग गया, आप सारा सीन सेट हो गया, पीछे से भी देख लेते हैं एक बार, सब सीन सेट है। ओके यहाँ पे भी कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, इसे पार्ट्स में पगाने की यूज़ हो रहे हैं क्योंकि डीएलसी इस गेम की जो पगानी वाली है तो इस वजह से उसे रिलेटेड यूज़ हो रहा है। चलो भाई बाकी गाड़ी सारी सेट है, अब आते हैं फ्रंट पे, फ्रंट पे थोड़ा सा काम है तो वो कर लेते हैं। ओके तो एक्सेस हो जाए बस, चलो यहाँ से करते हैं इसको, ये रेडिएटर लगाने हैं अब, ये इसका रोला होगा, ये आ गया। चलो भाई रेडिएटर लग गया, अब इसकी केसिंग वगैरह वो फैन शैन, अच्छा बस यही लगता है इसमें, सही होगा। चलो ये तो और अच्छा हो गया, अब इस वाले पे आए थे, इसमें सिंपल ये रेडिएटर लग रहा है। अच्छा तो और कोई चीज़ तो नहीं है अब लगने वाली, नहीं भाई मुझे लग नहीं रहा कोई चीज़ है, सारी गाड़ी लग गई बन गई है। अब ना इसमें असेंबल कर लेते हैं पार्ट्स, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि करते हैं सीट्स, तो इसमें चल के मैं सीट लगा लेता हूँ पहले, फ्रंट लेफ्ट सीट ये मैंने ख़रीदी थी, सिंपल सी है लेकिन बस उसके हिसाब से अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने ये ले ली। अब करते हैं असेंबल मोड, तो ये फ्रंट कैम शेल मतलब ये जो उसका स्टेयरिंग है व्हील स्टेयरिंग वो लगाते हैं, और लेफ्ट डोर ये वाला लिया था मैंने, उसके बाद हुड भी ले लेते हैं, लगा लेते हैं ये लिया था मैंने इसका, बम्पर, बम्पर दो है मैंने बी वाला ख़रीदा तो ये लगाता हूँ मैंने, और इसका ये जो ये चीज़ है फ्रंट एंड तो ये भी मैंने लिया रेड कलर में बुगाटी वाला, ये लगाते हैं इस पर, बुगाटी कलर वो जो लोगो होता है वो रेड ही होता है, इसे मैं सोचा कि रेड ही लगाते हैं इसके साथ। चलो भाई अब लगाते हैं फ्रंट राइट डोर विंडो, ये लग गई है फ्रंट राइट, इधर भी लगाते हैं फ्रंट विंडो, सेट हो गया सारा कुछ, इसका हुड बंद हो जाए बस एक सेकेंड, पहले यहाँ लगा लेते हैं मिरर, विंडो लगाना है अब, अच्छा विंडो है ही नहीं, फ्रंट लेफ्ट विंडो, इसको जल्दी से ले लेते हैं विंडो को। ओके इसको यहाँ से ख़त्म करें, ये रहा लेफ्ट डोर, ये तो फरारी क्या भाई जो हमने पहले बनाई थी इससे पहले, अगर वो नहीं देखी तो जाके वो भी देख लेना। ओके ये रहा राइट डोर और लेफ्ट, दोनों खरीद लेते हैं, पता नहीं कौन सा था, लेफ्ट था यार मेरे ख्याल में, तो मैं ये भी भूल गया। अभी अंदर कहाँ बैठ गया, बाहर निकल, हाँ अच्छा तो आपने करना है असेंबल मोड और ये शीशा, ठीक है भाई सीन सेट हो गया। बाकी लाइट्स रह गई हैं तो ये भी लगा लेते हैं, हमने ली थी बी वाली, ये ब्लैक वाली शेड में, ये थोड़ी अच्छी लग रही है, वो वाइट वाली बहुत ही ग्लो आ रहा है। चलो वाइप चेक करो ना पता लग रहा है कोई गाड़ी है यार। अब बैक पे आते हैं तो रियर बम्पर लगा लेते हैं इसका, ये बी वाला ही है, इसका बम्पर है नहीं तो साथ, और टेल लाइट मैंने रेड में ली है, पहले वाइट में थी। ओके ये भी लग गया, नहीं नहीं यार ये नहीं ये कहाँ घुस गया शॉप में भाई, ये निकला असेंबल मोड में जाके हम लगाते हैं रेड वाली, ये रही रेड वाली। अच्छा कैम शेल लगा लेते हैं, कैम शेल भी ख़रीदा मैंने बी होगा ये वाला। अब इंजन कवर लगाना है हमें, और मेरे शीशा भी होगा पीछे वाला, ये भी बी लिया था मैंने, शीशा नहीं है शायद इसका। चलो अब नंबर प्लेट रहती है, लाइसेंस प्लेट तो ये मैं दुबई की लिया हमेशा की तरह, ये हो गया। फ्रंट पे लगती है क्या, नहीं फ्रंट पे नहीं है। चलो भाई नॉर्मल मोड में जाके हुड को बंद कर देते हैं, ये होगी गाड़ी हमारी तैयार। तो ज़रा चेक करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के कैसे जाते हैं अंदर यार। ओ भाई एक सेकंड इधर उतार लेते हैं, एक इसमें एक ऑप्शन आ था गाड़ी, तो भाई गाड़ी सक्सेसफुली स्टार्ट हो ही गई यार, और काफ़ी टाइम बाद गेम स्टार्ट की थी मैंने,
उसके बावजूद चलो भाई निकल आते हैं, दरवाज़ा वापस लगा लेता हूँ असेंबल मोड में जाके। चलो भाई अब जो है हम गाड़ी को लेके जाएंगे और इसको पेंट करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसका पेंट करते हैं यार रेड कलर में, रेड में अच्छी लगेगी। तो भाई इसको लेके चलते हैं, मूव करते हैं नॉर्मल मोड जाके, मूव कर और इसको लेके चलते हैं पेंट शॉप। ये रही तो भाई पेंट शॉप के दरवाजा मैंने पहले ही खोल दिए थे। ये रही पेंट शॉप, तो करते हैं पेंट, चेक करते हैं रेड कलर कैसा लगता है इसके ऊपर। वैसे ब्लैक कलर और ब्लैक और रेड मेरे ख्याल अच्छा इतना ख़ास ना लगे, और नहीं सूट करे इसको शायद। ये रहा रेड, ये डार्क और मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा। जो फैक्ट्री पेंट है मैं सोचा वही कर लेते हैं, तो फिर क्योंकि इसके पीछे ब्लैक है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, और इस पर फुल ब्लैक भी हो सकती है जो कि अच्छी नहीं लग रही इतनी खास। और देखते हैं इसमें ब्लू ट्राई करते हैं, वैसे येलो में भी आती है ग्रीन में भी आती है, वो भी देख लेते हैं। ये रहा ग्रीन, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, फैक्ट्री वाले पेंट कर लेते हैं। चलो भाई गाड़ी होगी पेंट, तो लग तो अच्छी रही है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यार काफ़ी। तो अब लेके चलते हैं इसका डायनो टेस्ट करने, तो इसको करते हैं मूव कार टू डायनो। डायनो कहाँ गया, ये रहा डायनो, हमें तो खोलो यार। अच्छा ये रहा डायनो के दरवाजे भी खोले हुए हैं, चलो डायनो का टेस्ट करते हैं यहाँ पे। यस चलो अब रन करते हैं इसको और देखते हैं क्या इसका गेन और लूज जाता है। इसके इंजन है V12 S0HC ट्विन टर्बो, और इसकी फैक्ट्री इंजन पावर है 1270 HP एट 5680 RPM और 1732 न्यूटन मीटर एट 3860 RPM। तो भाई इसका गेन और लूज जो है वो 31% जो आ रहे हैं, 32% ही है, काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, और स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा इसकी इंक्रीज़ हो गई है। तो भाई निकलते हैं और गाड़ी में एक मिनट दरवाज़े खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई हुड शूट खोल के अब इस तरह होगी गाड़ी, बैग्स तो नहीं खुलती, तो कैम चल रहा इसका, इसको बंद कर देता हूँ। दरवाजे वाजे ये देख लिए तुम लोगों ने, इसके अंदर बैठते हैं और इसमें ऑप्शन आ रहा है ड्राइव का कार, बल्कि यार कार ऑप्शन नहीं, रेस ट्रैक पे लेके चलते हैं इसको, रेस ट्रैक पे जाके टेस्ट करते हैं, ये सही रहेगी। ओके गाइस तो हम पहुँच गए रेस ट्रैक पे, तो अब मैं एक्सेलरेट दे रहा हूँ और ये स्टार्ट होने वाला है, तो इसकी स्पीड चेक करते हैं। भाई ये तो मेरे नहीं ख्याल कंट्रोल होने वाले, क्योंकि फिरारी जैसी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई, तो ये तो बुगाटी है यार, सब गाड़ियों की बाप है यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इसकी कंट्रोलिंग वैसे अच्छी है फिरारी से, जितनी स्पीड से मैंने मोड़ काटा तो उस हिसाब से ये ना स्लिप नहीं हुई, तो ये गाड़ी अच्छी है यार काफ़ी, बहुत ज़्यादा गाड़ी अच्छी वाली। ओ भाई बातें करते करते ठोक ही दिए मैंने गाड़ी में। चलो चलो अब लेके चलते हैं इसको। ओके थोड़ा आहिस्ता रख के चलाते हैं और देख कोशिश करते हैं इसकी स्पीड ही चेक कर सकें कितनी मैक्सिमम जा रही है मुझसे, इतने मोड़ डाले हुए हैं इस पर क्या स्पीड चेक होगी। सीधे टेस्ट ट्रैक होता है ना वो सही थे। चलो भाई खैर कोई नहीं, स्पीड ट्रैक पर जाना चाहिए था हमें वैसे, गाड़ी अच्छी है यार वैसे। ओ भाई गाड़ी अच्छी तैयार होगी वैसे। ओ ओ भाई ओ भाई ओ मिर्गी दौरा पड़ गया गाड़ी को। चलो कोई नहीं अब ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं यार, गाड़ी बहुत अच्छी जा रही है। पिकअप देखो 120 का ऐसे मार रही है, बहुत ही स्मूथ चल रही गाड़ी, और कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छी है। वो अलग बात है मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मैं कीबोर्ड पे खेल रहा हूँ, अगर मेरे पास शायद स्टेयरिंग व्हील हो तो उस पर मैं वो अच्छा कर पाऊँ, लेकिन गाड़ी यार बहुत ही अच्छी है। ये देखो स्पीड देखो तुम लोग यार, कितना अच्छा पिकअप है इसका। ये वो 300 जाने वाला, ये गया 300 भाई, पता भी नहीं लगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई एक्सपीरियंस टेस्ट करते हैं हम गाड़ी को। तो भाई इसको चेक कर लिया हमने, 300 की स्पीड है गई है, गाड़ी काफ़ी अच्छी बन गई, तो चलते हैं वापस गैराज में। ओके गाइस तो ये रही हमारी बुगाटी वीरोन, हम ले वापस को गैराज में। तो गाइस अगर आप लोगों को गाड़ी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कैसी थी गाड़ी, और वीडियो को लाजमी लाइक करो यार, 2000 लाइक हम गोल रखते हैं इस वीडियो पे, तो यार वो तुम लोग पूरे करा दो, और बाकी वाली वीडियो में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, आगे भी बढ़ाओ चैनल को यार, 100K सब्सक्राइबर जल्दी से कराओ हमारे, और ताकि हमारा प्ले बटन आए। और बाकी तुम लोगों का वीडियो देखने बहुत शुक्रिया, वीडियो इतनी सी थी, और बाकी तुम लोग यार इंस्टाग्राम लाजमी फॉलो कर लो, उस पर अपडेट्स आती हैं मेरी वीडियोस की, और बाकी डिस्कॉर्ड का भी मैं लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम डिस्कॉर्ड यूज करो। तो बाकी वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया, पीस आउट।